तो गाइस काफी लोगों ने समर कैसे खास रहा है, तो भाई आज मैं रिमिक्स में खास हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेल आ रहा है समर। तो भाई साहब यहां पे देखिए मेरे पास एक गैस लाइटर जो गाइस आपकी मम्मी फेंक देती है जब भी खराब होता है। भाई साहब हमने इस लाइटर से काफी एक्सपेरिमेंट किए, प्लांट कटर बनाया है, हमने इससे कैंची बनाई है, तो भाई हद तक हमने इस लाइटर को भी बना दिया है। तो गाइस यकीन मानिए आज इस लाइटर से, बल्कि खराब लाइटर से कहना चाहूंगा, भाई खराब लाइटर है, इस खराब लाइटर से हम डीसी मोटर बनाने वाले हैं। भाई साहब रोला ही कट जाएगा, मजे आ जाएंगे, और उधर और इसे खोल कर इसकी आलोली वाली जो भी है वो निकाल लेंगे। पता नहीं मैंने कौन सा वर्ड बोला, मुझे भी नहीं पता। तो इसमें वैसे कुछ होता नहीं है, बिल्कुल खाली है, मतलब अभी इसके अंदर बस ये बच रहा है, इसका जो लाइटर है, जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। साथ ना छोड़ेंगे तेरा निकल जावे। और गाइस ये होममेड मोटर है, तो भाई साहब आपकी मर्जी, आप इसके मालिक को कितना लंबा या मोटा बड़ा आपको इसे बनाना है। तो भाई हम ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका यूज हम फ्यूचर में कभी ना कभी करेंगे 2060 में। तो गाइस ये काफी गोल लोल कट गया है, देख सकते हो काफी अच्छा भी लग रहा है, बिल्कुल गोल गोल सा। अब भाई हमें इसका आर्मेचर बनाना है, ये तो होगी खाली बॉडी। तो गाइस आर्मेचर बनाने के लिए सबसे सिंपल और सबसे चीप रहेगा साइकिल की स्पोक, तिल्ली भी कहते हैं इसे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंदाजे कट कर लेंगे। और भाई साहब यकीन मानिए सबसे मुश्किल पार्ट आर्मेचर बनाना ही है, आर्मेचर बन गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हम आर्मेचर पे हैं, प्लीज दोस्तों बने रहिए, मैं कैसे कैसे इतने से मराता हूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो गाइस यहाँ पे कुछ बोल्ट ले रहा हूँ जिनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर या 10 mm, और वहां से मुझे कट करने हैं, इस शाफ्ट वेल्ड करने हैं या सोल्डिंग करने हैं। आप सोल्डिंग कर सकते हो, वेल्ड भी कर सकते हो, तो मुझे कट करके इतने इतने लगाने हैं और इस तरह से कट करने हैं ये इसके अंदर आ जाए, देखिए थोड़ा बाहर निकल लें। तो भाई ये कारिस्तानी हमें करनी पड़ेगी आज, फटाफट इन्हें छोटे छोटे पहले कट कर लेता हूँ। तो गाइस लगभग मैंने 5 mm के कट कर लिए हैं, इस बार हम वेल्डिंग करने वाले हैं। गाइस पहले मैंने सोल्डिंग कर लिया था, तो इस बार वेल्डिंग कर। तो गाइस देखिए क्या मस्त लग रहा है, बहुत अधूरा आर्मेचर, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ इसके अंदर बाकी रह गया है, लेकिन गाइस ये काफी मजबूत जॉइंट हो गए। और गाइस ये मैंने मिग वेल्डिंग का यूज किया, जो गैसलेस मिग वेल्डिंग है, और आप गैस वेल्डिंग की जगह सोल्डिंग भी कर सकते हो इस पर, मैंने काफी पहले की थी, हो जाती है। और गाइस ये आर्मेचर आसानी से इसके अंदर आ भी रहा है, देखिए आराम से घूम भी जाएगा। गाइस अभी मैं ले रहा हूं एक खाली स्प्रे कैन, और भाई इसमें छेद करने वाला हूं। तोबा, काफी ठंडी ठंडी हवा निकली और बदबूदार, और गाइस बिल्कुल ठंडा हो गया, हमें इसकी शीट चाहिएगी। तो भाई मैं फटाफट इसे कट कर लेता हूँ, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत पेंट बाकी है, मैंने खा लिया वैसे, तुम तो होता ही है। अब लेंगे भाई यहाँ पर मास्किंग टेप, या ऐसे पेपर टेप भी कहते हैं आम भाषा में हम, बस भाई बहुत है भाई, थोड़ा सा आगे काट दो। तो गाइस ये तो चुका है कंप्लीट, अब इसका बनाते हैं कम्यूटेटर, जो इसकी वायरिंग है वो यहाँ से कनेक्ट होगी, यहीं से इसे पावर देंगे। इसलिए गाइस मैंने स्प्रे पेंट की पत्ती ली है, और ये काफी मस्त है, ना ज्यादा हल्की है और ना ज्यादा भारी है, आप आराम से इसे बना लोगे। तो भैया फटाफट बनाना शुरू करते हैं, ऐसे और भाई ऐसे, ठीक है 1, 2 और 3, इसके सामने सामने मैंने एक एक मार्क लगा लिया, इसमें पता लग गया कितनी चौड़ाई होगी। तो भाई इसकी अगर बाने मोटी मोटी ऐसी तो लगभग 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो 5-5 की 3 पत्ती कट कर लेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 30SWG का एक कॉपर का इंसुलेटेड वायर, जो कि वायर काफी मस्त और बेहतरीन है, ज्यादा पतला भी नहीं है और ज्यादा मोटा भी नहीं है इसके हिसाब से। तो भैया फटाफट करते हैं इसकी वाइडनिंग, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, हलवा है बिल्कुल, कर लेते हैं। तो गाइस देखिए क्या मस्त लगा है, बिल्कुल बेहतरीन। तो लीजिए भाई साहब इसका आर्मेचर बनकर तैयार हो गया है, जो कि टोटली होममेड और जुगाड़ लग रहा है। तो गाइस मैंने एक में 34-34 टन लगाए, इस शायद आएंगे भी नहीं, हाँ एक आध फालतू आ जाए 35-36, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब इसको इसके अंदर डाल के देखते हैं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट, देख सकते हो बिल्कुल मस्त आ रहा है। और यहाँ पे भी काफी सारे वर्क है यार, बहुत सारे काम है इसमें। एक तो मैं गाइस इसमें कैप लगाने ऊपर नीचे, इसमें कैप लगाना, इसमें कैप लगाना ऊपर, तो ऐसा रोकने के लिए जिससे गाइस इधर उधर ना भागे कैप में से। और भाई अभी काफी सारे इसके मैग्नेट है, इसके ब्रश है, बहुत सारी चीज है। तो गाइस पहले मैं इसके वाशर पर आता हूँ, जो इधर उधर न जाने दे, ठीक है मैग्नेट पर बाद में आएंगे, पहले इसकी सेटिंग हो जाए उसके बाद। अब देखिए ये इसके अंदर नहीं आ रहा, तो भाई या तो इन्हें पतला करो या इन्हें चौड़ा करो, इनका होल जो, तो भाई इनका होल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
भाई हमने छोटे छोटे इसके दो वाशर बना लिए हैं और भाई ये इजी इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए और ये बिल्कुल फिट आ रहे हैं। अब गाइस ये मैंने छोटे छोटे तो पीस कट कर लिए इसके ढक्कन जाले बोले तो भाई इसका मुंह बंद करने के लिए। देखिए ये बिल्कुल इसमें टाइट आएंगे। ठीक है मैंने बिल्कुल फिट ही कटिंग की है भाई। एक को तो मैं बिल्कुल फिट कर दूंगा पहले। बिल्कुल भाई फिट आ गया है। इसमें करते हैं होल जिससे ये इसके अंदर आ जाए। तो भाई तबड़ा होल कर लिया है। देखिए ये आराम से घूम जाए, देख सकते हो ये आराम से घूम रहा है। अभी मैं इसको लगाऊंगा ना वॉशर को तो ये ऊपर तक आ जाएगा। देखिए भैया आराम से घूम लेगा। देखिए फिटिंग विटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं इसे यहाँ से चिपका लेता हूँ भाई। इसे चिकनी तरफ से ही चिपकाएं वॉशर को, इस तरफ से ही। वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो भाई ये लगभग सूख चुका है और पहले एक बार ट्राई कर लो। हाँ देखिए बहुत बड़ा घूमना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ है। और भाई इसके अंदर ऐसे आ जाएगा, देखिए बिल्कुल सही घूम रहा है हमारा मोटर। ठीक है तो भैया अब आते हैं इसकी मैग्नेट पर। तो मान के चलते भैया इसकी मैग्नेट लगेंगे किधर, तो यहाँ लेके चलते हैं। थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई इसे काटने से पहले इसकी मैग्नेट देखेंगे, इसके अंदर कौन से मैग्नेट हम फिट करेंगे। तो गाइस मेरे हाथ में दो तरह की मैग्नेट है। एक तो है नीडियम मैग्नेट जो गाइस आप अच्छी तरह जानते हो, और भाई एक तरफ है मोटर जो गाइस इसके अंदर फेराइट मैग्नेट है। ये तो नहीं मिलेगी इजी, आपको काफी मुश्किल हो जाएगी, काफी कॉस्टली पड़ती है। ठीक है और ये काफी पावर भी होती है। लेकिन गाइस ये आसानी से मिल जाएगी। और भाई ये मेरे पास खराब मोटर पड़ा है तो भाई मैं इसमें से ही निकाल लूंगा। वो इजी इस तरीके से निकल जाती है। देखिए आराम से निकल गई और ये बहुत इजी मिल जाएगी। तो भाई हम इसका यूज करेंगे। आप इसका भी यूज कर सकते हो लेकिन भाई ये काफी कॉस्टली मिलती है। तो भाई हम इन्हें ऊपर से चिपकाएंगे तो ये काम ही नहीं करेंगे। देखिए सपोज कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये बॉडी लोहे की है तो भाई ये भी लोहे की है। देखिए कोई इफेक्ट नहीं, खत्म। तो गाइस हमें इसे कट करना पड़ेगा जो गाइस इसके अंदर ही लग सके। अब इसके अंदर तो चिपक नहीं सकती, इतनी जगह इसके अंदर है नहीं। थोड़ा पार्ट कट करेंगे जिससे गाइस ये आराम से ऊपर से चिपकेंगे लेकिन इफेक्ट डाले मोटर के अंदर, है ना। तो भाई यहाँ पे लेंगे भाई मार्कर लगा लेंगे बस ऐसी। दूसरी साइड पहले देख लो ऐसे लगा के। हाँ ठीक है अब इसकी दूसरी साइड भी ऐसी से है। हमें तो पूरा कट नहीं करेंगे वरना भाई इसके अंदर ही घुस जाएगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा वैसे इतना कट कर दिया और वैसे इतना कट कर दिया। चलो मैं कट करता हूँ। तो गाइस काफी मेहनत लगी कटिंग करने में और भाई इतनी कटिंग की है। देखिए ये इसके अंदर ऐसे देखिए चिपक जाए। थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से अंदर भी ना जा रहा बाहर भी निकल रहा जाता। तो गाइस मैग्नेट इस तरीके से चिपकाई है इसके सरफेस पर ही है, बाहर से अंदर नहीं निकल रही। ठीक है तो भाई ये मोटर इजीली इसके अंदर चला जाएगा। तो भाई ये इसके अंदर आ जाएगा इस तरीके से और यहाँ पे से पहले आके देख लेंगे कितना आएगा। तो गाइस एक बार घुमा के देख ले। देखिए मस्त घूम रहा है बिल्कुल, ठीक है कहीं भी नहीं टकरा रहा, बेहतरीन मोटर बनेगा हमारा। तो इसे फिलहाल मैं निकाल लेता हूँ। भाई अब आते हैं इसके ब्रश पर। तो भाई ब्रश बनाना बहुत ईजी है, बस यहाँ मैं दो होल कर लूंगा। तो गाइस ये रहा टिन वायर, ऐसे मोड़ दो बस हल्का, नो टेंशन। ये तो हम जुगाड़ी बना रहे हैं और भाई ये इसके अंदर इजी चला जाएगा इस तरीके से, दोनों तरफ से ऐसे रोक कर यहाँ चिपका दूंगा। तो गाइस के ब्रश भी लग चुके हैं तो चलिए भाई फटाफट से फिट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो बनना लंबी काफी हो जाएगी। वैसे लगाना बहुत ईजी है, इस तरीके से आप पकड़ के पहले इसमें लगा लो, फिर इसमें लगा लो बस। तो गाइस हमारी होममेड मोटर बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी सी अजीब तो बेसक लग रही है लेकिन गाइस देखते काम करती है नहीं करती है। तो गाइस मैं इसे टेस्ट करने के लिए 18650 वैट की यूज करूंगा। तो भाई साहब देखते हैं चलती नहीं चलती है, वैसे तो ये चल रही है। कितनी फास्ट है गाइस, कितनी फास्ट है भाई। टेप लगा देता हूँ और देखिए भाई साहब क्या मस्त देगी, मस्त। तो गाइस मैं आपको बिल्कुल लाइव टेस्ट करा रहा हूँ और ये काफ़ी मस्त वर्क कर रहा है, बहुत तेज़ घूम रहा है। देखिए तो गाइस काफ़ी देखिए बेहतरीन, बिल्कुल देख सकते हो मस्त। तो गाइस कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, कोई चीज़ कबाड़ा नहीं होती। तो भाई साहब लाइट आप फेंकना, बहुत सारी चीज़ बना सकते हो। मैंने गाइस लाइटर पे तीन वीडियो बना दी है, कैंची बना दी है, प्लांट कटर बना दिया है और गाइस आज मैंने इसका डीसी मोटर भी बनाया है। देखिए बहुत मस्त काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप ये सिंपल सा जुगाड़, सिंपल सा टॉपिक आइडिया आपको अच्छा लगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भाई जरूर बताएं ये जुगाड़ मोटर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।